Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Murtaz Kir. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about acquisition reports. Guys, बहुत important topic है, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे. Google Play Console में आपको यहाँ आना है user acquisition में और यहाँ पर आपको दिखता है acquisition report. अब इसको थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में समझना है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, राइट? यानी acquisition reports को मैं ये जो टॉपिक इसको दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सके, राइट? और उसको अगर उसमें कुछ इंप्लीमेंट करने लायक है, आपकी कोई ऐप है तो फिर आप अपनी ऐप की एक्विजिशन रिपोर्ट में जाकर चेक कर सके, राइट? गूगल प्ले कंसोल पे जाके आप चेक कर सके, इसलिए मैं दो वीडियोस में इसको रिकॉर्ड करूंगा. तो सबसे पहले गाइज, अगर आप क्लियर नहीं है इस टर्म से कि आखिर एक्विजिशन क्या होता है, गाइज एक्विजिशन, व्हाट इज एक्विजिशन, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कोई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे. Acquisition का मतलब होता है if you are acquiring any new customer, right? Any new customer. But ये definition situation के हिसाब से change होती रहती. जैसे अगर आपका e-commerce business है, तो वहां पर acquisition क्या हो जाएगा? वहां पर acquisition हो जाएगा sale, right? जब sale होगी, then we'll say that कि हमारा जो acquisition है वो हुआ है. लेकिन app में acquisition क्या होगा? App में acquisition होगा कि हमारा जो कोई भी जो यूजर जो हमारी ऐप के ऊपर आया है, जिसने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है, राइट? ऐप को इंस्टॉल करना इस काइंड ऑफ अ एक्विजिशन यहाँ पर, फाइन. अब वो जो हमने एक्वायर किया, वो जो कस्टमर हमने एक्वायर किया, वो जो हमने यूजर एक्वायर किया, उसको हम किस तरीके से रिटेन कर रहे हैं, क्या हम उसको रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हमारी स्टोर लिस्टिंग के ऊपर विजिट्स आई, यूजर जो हमारी स्टोर लिस्टिंग के ऊपर विजिट किया, उसके बाद हम देखेंगे उसमें से फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स कौन से हैं, राइट? यानी कि जिन्होंने पहली बार हमारी ऐप को इंस्टॉल किया. अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, इंस्टॉल तो कर लिया, राइट? देखो, स्टोर विजिट हुई 100, इंस्टॉल्स हुए 50, आप खुश हो, राइट? इस चीज को मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया, आप खुश हो कि बहुत सारे इंस्टॉल हो रहे हैं. बट द गेम स्टार्ट्स कि वो लोग रुक कितना रहे हैं, राइट? वो इंस्टॉल्स करते हैं, अनइंस्टॉल्स करके गायब तो नहीं हो पा रहे. आप किस परसेंटेज में यूजर्स को, जो आपके ऐप के यूजर्स हैं, उनको आप रिटेन कर पा रहे हो? कितने आपके रिटेन्ड इंस्टॉलर्स हैं? इंस्टॉल करने के बाद वो रुकते हैं आपकी ऐप के ऊपर, आपकी ऐप को यूज करते हैं. जब तक आप उनको रोक नहीं पाओगे, आप अपनी ऐप से किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं ले पाओगे. चाहे वो आप अपनी ऐप का मोनिटाइजेशन करो, चाहे उसके अंदर जो है पेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हो, राइट? कुछ भी चीज हो, आप कभी भी उसको, उस चीज की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे अगर आप उन यूजर्स को रिटेन नहीं कर पाओगे. अब आपने इंस्टॉल तो कर लिया, राइट? मतलब आपने यूजर्स को इंस्टॉल तो करा लिया, बट अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. आपको उसका ऑडिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही. तो ये रिपोर्ट आपको यही चीज बताती है कि जो आपके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स थे और जो रिटेन्ड इंस्टॉलर्स हैं, उसमें जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, राइट? जो इंस्टॉल करेंगे, जैसे 100 लोगों ने इंस्टॉल किया, फिर जो बचे हुए हमारे पास बचे वो 50 यूजर बचे, 50 लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, किसी ने पहले दिन, किसी ने पांचवें दिन, किसी ने दसवें दिन, किसी ने एक महीने बाद, राइट? ऐसे लोगों ने इंस्टॉल कर दिया. तो ओवर द टाइम वो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हो रहा है, पहले दिन कितने लोग जो है वो रिटेन हो रहे हैं हमारे पास, दूसरे दिन कितने लोग रिटेन हो रहे हैं, राइट? बात समझ में आ रही, क्लियर? तो यहाँ पर गाइस, अगर आप आओ तो ऊपर देखोगे रिटेन्ड इंस्टॉलर्स की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है विजिटर्स फ्रॉम 9th मार्च टू 15th मार्च. 9 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में, 15 मार्च 2020 के बीच में जो यूजर्स आए, राइट, उनमें से कितनों ने इंस्टॉल किया. तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेजर बाय कंट्री है, तो आप चाहो तो प्ले स्टोर ऑर्गेनिक कंट्री एक्विजिशन चैनल के बेसिस पर, और आपका जो पीयर ग्रुप है वो एजुकेशन कैटेगरीज को सेलेक्ट करके आप आगे मूव कर सकते हो. नाउ मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इस रिपोर्ट के बारे में. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल कंट्रीज, यानी 625 लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर थे सारी कंट्रीज से, और इंडिया से केवल जो है 367 लोग जो थे वो इंडिया से फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर थे. और उसके बाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील से भी आप देख रहे हो, ब्राजील से भी 2 लोग हैं, बांग्लादेश से और अदर कंट्रीज से, जिनकी डेटा एक्चुअली बहुत कम होगी ना, एक एक होंगे, दो दो होंगे, तो वो डेटा यहाँ पर शो करना मुश्किल है, फाइन, इसीलिए अदर में शो कर रहा है. बट मेजरली इंडिया में, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज, जो वीडियो कंटेंट है, मैंने पहले बताया जो वीडियो कंटेंट है वो हिंदी में, इसलिए मेजरली आपको इंडिया पाकिस्तान से यूजर्स दिखेंगे. हाँ, बांग्लादेश वगैरह से भी दिखेंगे, हिंदी नोइंग जो कंट्रीज है, राइट, हिंदी लैंग्वेज जो फॉलो करती हैं वो दिखेंगे. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स ओवर हियर, व्हिच इज फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स एंड रिटेन्ड इंस्टॉलर. अब इसका मतलब क्या है? टोटल स्टोर लिस्टिंग कितनी हुई? 2293, लगभग 2300 लोग हमारे स्टोर के ऊपर आए, लेकिन उनमें से फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स कितने थे? केवल 625 लोग. यानी कि हमारे स्टोर के ऊपर बहुत सारे लोग आए, राइट, स्टोर
इन द सेंस सॉरी स्टोर लिस्टिंग आई मीन टू से स्टोर हमारा स्टोर नहीं आई मीन टू से हमारी ऐप के ऊपर राइट हमारी जो स्टोर लिस्टिंग जो हमारी ऐप होती है उसको हम स्टोर लिस्टिंग बोलते हैं राइट। तो उसके ऊपर कितने लोग आए 2300 लोग, लेकिन उनमें से इंस्टॉल जो हुए वो कितने हुए केवल 28% 28% से भी कम। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आया कि हम इसमें लैग कर रहे हैं। अब इसमें लैग कर रहे हैं तो इसको ऑडिट क्या हो सकता है, हमें अपनी ऐप को देखना है कॉल टू एक्शन वगैरह है या नहीं है, या हमारी ऐप गलत कीवर्ड्स पे तो नहीं रैंक हो रही। कई बार ऐसा भी होता है मैं अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा है तो हमारी ऐप दिखती है, दैट्स गुड, इसका मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंटरेस्ट रखता है। सो गाइज अब हमें कॉल टू एक्शन वगैरह पे काम करना पड़ेगा कि हम देख सकते हैं कॉल टू एक्शन रिलेवेंट है या नहीं, हमारी ऐप गलत कीवर्ड्स के ऊपर तो नहीं है। फाइन, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि हमारे विजिट्स हो रहे हैं, हमारे लोग हमारे ऐप के ऊपर जा रहे हैं, फाइन, बट वो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। तो एक तो हमें लूप होल ये पता चला, देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया राइट, ये लोग पहले नहीं इंस्टॉल कर चुके, ये वो डेटा नहीं। देखो वो लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं कि मैंने आज आपकी ऐप को इंस्टॉल किया, 10 दिन बाद मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद 5 दिन बाद मैंने फिर उसको इंस्टॉल किया। तो क्या वो बंदे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स हुए? नहीं, वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स नहीं हुए। यहां पर बात हो रही है केवल और केवल फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स वाले लोगों की। अब उन फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स में से कितने लोग थे राइट जो एक दिन तक रिटेन किए, यानी एक दिन मतलब इंस्टॉल करने के बाद तुरंत बाद उन्होंने अनइंस्टॉल नहीं किया, भाई एक दिन तक तो उनको हम रिटेन कर पाए, वो परसेंटेज अच्छा है। अगर आप यहां पर देखो तो 83% के आसपास लगभग है, बट हाँ फिर भी ये परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए राइट, क्योंकि जब कभी भी आप मार्केटिंग करते हो आप इस चीज पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि भाई ये परसेंटेज एक अच्छा है, आप जितना भी चाहो इसको करो। देन उसके बाद फॉर 7 डेज यानी एक दिन से लेके 7 दिन के बीच में हम लगभग और 10% यूजर्स जो है वो लूज कर रहे हैं राइट। तो यहां से मैं कंपेयर करूं अगर 625 का राइट फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स का केवल 70% हम यहां पर रिटेन कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। देन यहां पर 15 दिन यानी 2 वीक में, पहले 2 वीक में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे 40% जो इंस्टॉलर्स थे वो चले गए, 40% इंस्टॉलर्स हमारे जा रहे हैं। तो अगर हम पेड एडवर्टाइजिंग करके इंस्टॉल्स ला रहे हैं गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर हम पेड एडवर्टाइजिंग करके इंस्टॉल्स ला रहे हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा खर्च चुका है। इंस्टॉल करने के तो हमने पैसे दिए, अनइंस्टॉल होने पर हमें वापस थोड़ी ना पैसे मिलेंगे। व्हाट माय पॉइंट नाउ, अगर एक महीने का देखा जाए तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स में से केवल हम 50% ही रिटेन कर पा रहे हैं, 50% राइट। तो ये रियल टाइम डेटा आप देख रहे हो, ये रियल प्रोजेक्ट की आप डेटा देख रहे हो, इतनी बड़ी ऐप की आप डेटा देख रहे हो। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऐप इन इंडिया राइट। अगर आप देखो डाउनलोड वाइज, कंटेंट वाइज, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऐप इन इंडिया। इसकी डेटा भी आप देख रहे हो, इतना ज्यादा कॉन्टेंट होने के बाद भी राइट, इतना ज्यादा कॉन्टेंट होने के बाद भी वी आर एबल टू रिटेन ओनली 50% राइट। इन लास्ट इफ यू सी दीज यू कैन से दीज 60 you have to calculate this is how many days, okay? आप चाहो तो this is actually selected to week, right? हम month को भी कर सकते हैं, numbers will change, right? और analysis जो है आप वो थोड़ी से ज़्यादा ही data की करोगे तो it will be good for you, right? आप हमेशा थोड़े से ज़्यादा data की करोगे, जब कभी भी आप थोड़े से ज़्यादा data की analysis करोगे it is good, right? तो मैं यहाँ मार्च की कर देता हूँ ना, मार्च में आप देखो 51.8 तो ये दिखा रहा है, let it refresh first एक बार, okay? फाइन ओके, यहाँ पर अभी ये शो नहीं करा है, एनीवेज कुछ प्रॉब्लम होगी शो नहीं करा, बट यहाँ पर अगर आप देखो फॉर 15 डेज तो पहले 15 दिन में हम लगभग 60% जो है रिटेन कर पा रहे हैं, 40% यहाँ पर भी लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप आगे की डेटा देखोगे तो यहाँ पर कुछ और डिक्लाइन ही होगा, एक ग्राफ जनरली डिक्लाइन ही होता है, ग्राफ ही इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार रिटेन जो हमारे यूजर्स हैं उनमें से कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं राइट। तो ये ग्राफ कभी ऊपर की तरफ आपको जाता नहीं दिखेगा। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर से हम कितने रिटेन कर पा रहे हैं और उन जो रिटेंशन है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।